इन अर्थों में भी बहुत जीवंत हम मान सकते हैं कि वे आज विशेष रूप से अपनी बैले प्रस्तुतियों में टैगोर की एक बहुत ही दुर्लभ रचना जो कि उन्होंने द चाइल्ड शीर्षक से अंग्रेजी में लिखी थी उस पर आधारित नृत्य प्रस्तुति विशेष रूप से वो रूपक उन्होंने तैयार किया है और उसको देखना हम सब के लिए निश्चित रूप से एक अलग रचनात्मक अनुभव होगा। सुश्री अदिति चतुर्दी वत्स हमारी कल्चर कोऑर्डिनेटर हैं और ये सारे रंग जिस तरह से शुमार होते हुए आप देख रहे हैं उन्हें इस तरह से जाहिर करने का काम अदिति जी ने किया है। बहुत बहुत स्वागत। मैं बहुत देर न करते हुए अब आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं। आदरणीय श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी से हम निवेदन करते हैं वे आए और विश्व रंग 2021 के बहाने विश्व रंग के पूरे परिदृश्य से आपको अवगत कराएं और आप सबका स्वागत करें। सिद्धार्थ जी नमस्कार। साहित्य, संस्कृति, कला और संगीत के इस अद्भुत समागम जिसे हम विश्व रंग के नाम से जानते हैं के तीसरे पायदान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ विश्व रंग 2021 का ये जो आगाज हमारे सामने आज हो रहा है उसका सभी लोग स्वागत करें। मैं मंच पर सुश्री तनुश्री शंकर जी और जो अन्य हमारे अतिथि हैं जिन्होंने विश्व रंग के इस तीसरे पायदान ही नहीं बल्कि विश्व रंग के पहले पायदान से उसको एक वैश्विक और उसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव और एक यूनिक प्रोपोजिशन के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए जिन्होंने काम किया है आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत आज के इस अवसर पर करता हूं। मित्रों, विश्व रंग एक सपने जैसे शुरू हुआ था जो कि आप सभी या जिनमें से जो लोग 2019 के विश्व रंग में हमारे साथ थे आप सभी को याद होगा कि एक बहुत बड़े कैनवास पे विश्व रंग अपने हस्ताक्षर के साथ उभरा था और न सिर्फ भोपाल बल्कि न सिर्फ मध्य प्रदेश और आई वुड से कि देश भर में विश्व रंग ने अपनी एक अलग पहचान पहले ही साल में बनाई थी और उसके बाद पिछला जो हमारा साल रहा वो एकदम अलग रहा जिसमें विश्व रंग को हमने वर्चुअल मेथड में और वर्चुअल वे में बहुत सारे देशों में सेलिब्रेट किया। मैं सिर्फ आपको विश्व रंग के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा कि इस छोटे से समय में हमने कितनी बड़ी दूरी तय की है। विश्व रंग जो ऑफ कोर्स अपने आज थर्ड फेस्टिवल पे तो है ही है बट विश्व रंग की जो रीच है सबसे पहले अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो विश्व रंग के अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आज हम लोग 2 लाख से ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं जो कि सिर्फ पिछले एक साल में ही इस पूरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। विश्व रंग की अगर रीच के बारे में बात की जाए तो विश्व रंग 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है और ये लगातार कंटिन्यूअसली ग्रो भी हो रहा है। और अगर हम टोटल व्यूज की बात करें तो 12.5 मिलियन व्यूज जो है वो विश्व रंग के डिफरेंट कंटेंट को मिले हैं और ये भी फिगर लगातार ग्रो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दी आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स विच वर देयर, विश्व रंग बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रोपोजिशन, विश्व रंग बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फिलोसफी एंड बिकॉज ऑफ द शेयर पैशन विथ विच विश्व रंग आगे बढ़ा है उसके कारण अपना स्थान बनाने में काफी कारगर रहा है। विश्व रंग 2021 की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है जिसमें पार्टनर कंट्रीज फेस्टिवल के रूप में 25 से ज्यादा देशों ने विश्व रंग ब्रांड के अंतर्गत अपने अपने देशों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया जिसका पूरा कंटेंट विश्व रंग के चैनल पे देखा जा सकता है। यह संख्या पिछली बार लगभग 15 देशों की थी, इस बार और देशों ने विश्व रंग का साथ थामा है और 25 देशों से ज्यादा लोगों 25 देशों से ज्यादा जगहों पे विश्व रंग के अंतर्गत कंटेंट और प्रोग्राम्स हुए हैं। उसके साथ साथ विश्व रंग
का जो दूसरा पहलू है, इस बार का विश्वरंग युवाओं और बच्चों पे केंद्रित है। तो विश्वरंग चिल्ड्रंस फेस्टिवल जो कि पूरी तरह से वर्चुअली हो रहा है, वो पिछले वीकेंड स्टार्ट हो गया है और 3 वीकेंड्स पे मिला के 9 दिनों में उस पूरे फेस्टिवल का ढांचा बनाया गया है, जिसमें कि आज कल से हमारे पास दूसरा वीकेंड के प्रोग्राम भी स्टार्ट होंगे। तो विश्वरंग चिल्ड्रंस फेस्टिवल भी अपने गति से आगे बढ़ रहा है और तीसरा विश्वरंग मेन जो फेस्टिवल है वो आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ देख रहे हैं। आज के कार्यक्रमों के बारे में आपको बहुत ज्यादा विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा, विनय जी बताएंगे, पर यकीन मानिए आज का जो शुरुआत है वो विश्वरंग लेवल और विश्वरंग की जो एक स्टैंडर्ड है, विश्वरंग का जो एक प्लेटफॉर्म है उसको मैच करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर दिन उसका जो टेम्पो है वो आप बढ़ता हुआ देखेंगे। और आप लोग अभी से आप लोग अभी से तैयार रहें कि विश्वरंग का जो फाइनल कंक्लूजन है वो बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही बड़े स्केल पे होने वाला है। तो हम लोग सब अगले 4 दिनों तक विश्वरंग के साथ रहेंगे और विश्वरंग को एंजॉय करेंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की शाम में बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पे जो हमारे विश्वरंग के जो स्वप्न दृष्टा है, विश्वरंग जिन्होंने बनाया, विश्वरंग का पूरा जो अभी तक का हम लोगों ने सफर देखा उस पे लगातार उन्होंने चला है, तो उसके लिए एक बार उन तालियों के लिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया। तो एक बार फिर से मंच के लिए तालियां, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और विश्वरंग की पहली शाम की शुरुआत कुछ ही क्षणों में हम लोग अपने साथ देखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि अदब और तहजीब के बेमिसाल सिलसिलों का ये कारवां हमारी तीसरी पादान पर है और एक बार फिर हम बहुत सारी गतिविधियों को लेकर आप सबके रूबरू हैं। यूं तो विश्वरंग 2019 की स्मृतियां जब कौनती है तो लगता है कि इतना विराट समागम जो हम लोगों ने किया, वही दरअसल हमारी एक ऐसी चुनौती हम सबके लिए स्वयं के लिए बनता जा रहा है कि क्या वाकई में हम उस महास्वप्न को फिर से ऐसा रच पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे रंग अभी भी वैसे ही भीगे हैं, वैसे ही गीले हैं, वैसे ही जीवंत हैं। उसी जीवंतता को लेकर हम पुनः लौटे हैं तीसरी पादान पर। हमारे साथ आदरणीय श्री लीलाधर मंडलोई जी हैं। आप में से सारे लोग जानते होंगे जो विश्व रंग से वाबस्ता हैं। लीलाधर मंडलोई जी की उपस्थिति एक अलग तरह से हमारे साथ जुड़ी है, जिसने हमारे रंगों को और गाढ़ा किया है, हमारे विश्वास को प्रगाढ़ किया है। आज कुछ ही क्षणों बाद माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में हम विश्व रंग पत्रिका का भी लोकार्पण करेंगे, जिसका संपादन दिल्ली से आदरणीय मंडलोई जी करते हैं। हमारे विश्व रंग के सह निदेशक हैं, भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक हैं और भी उनके परिचय में बहुत सारा कहा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर भी आप सबसे मुखातिब हों और कुछ बातें आपसे साझा करें आदरणीय मंडलोई जी। आदरणीय संतोष जी, हमारी खास मेहमान तनुश्री जी और मंच पर उपस्थित मेरे तमाम मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये उपस्थित लोगों में विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी विश्वविद्यालय के प्रांगण में या उस संस्थान में जिस तरह उपस्थित हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं और हिंदुस्तान की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज को घूमने के बाद कि आप विश्वविद्यालय जहां पढ़ रहे हैं आप दरअसल एक इतिहास से गुजर रहे हैं, एक इतिहास जो लिखा जा रहा है, इतिहास जो आपकी चेतना पर परिवर्तन की एक बयार ला रहा है,
इतिहास जिसमें आप भीतर से ग्रो कर रहे हैं, आपका भीतर धीरे धीरे विशाल होता जा रहा है, क्योंकि आपके ह्यूमन होने के लिए जितनी भी तरह की चीजें आपके सिलेबस के अलावा जरूरी होती हैं, वो सब की सब आप यहां अनुभव कर रहे होंगे। कला, साहित्य, संस्कृति, ये किसी भी विश्वविद्यालय का बहुत अनिवार्य हिस्सा इस रूप में नहीं होता जिस रूप में आप यहां पाते हैं। और जहां लोक से लेकर शास्त्रीय कलाएं, जहां लोक और आदिवासी साहित्य से लेकर विश्व साहित्य, और अगर नृत्य की बात करें तो लगभग तमाम नृत्य के जो रूप हैं उनके साथ, उनके भीतर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक संस्कृति पैदा करने के लिए ये विश्वविद्यालय ऐसे आयोजन करता है। आज जब आप तनुश्री जी का बैले देखेंगे तो ये हो सकता है कि आपको इतिहास ना मालूम हो, लेकिन जिन्होंने उदयशंकर जी का नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो आपको नेट पे जाके देखना चाहिए कि नृत्य का और उसमें जितने नवाचार संभव है, जितनी नई संरचनाओं की सृष्टि हुई है, और जिसमें पंडित रविशंकर हुआ करते थे, जिसके से उस्ताद विलाद खान साहब होते थे, एक इतनी बड़ी लीगेसी जो कि नृत्य में या नृत्य नाटक में हमारे देश में है, उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र एक जमाने में कलकत्ता हुआ करता था। और हम हर बार यह कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को, अपने अतिथियों को दूसरे राज्यों की ऐसी सांस्कृतिक चेतना से परिचय कराने का काम करें कि जो आपका भीतर का जो सांस्कृतिक जगत है वो कुछ इस तरह से सृजनात्मक रूप से विकसित हो कि आप एक सांस्कृतिक मनुष्य की तरह समाज में जा सके। दरअसल क्या है कि सारा काम कोई एक विधा संभव नहीं कर सकती, ये विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। विज्ञान के साथ कलाओं का ये जो गठजोड़ है या ये जो जुगलबंदी इस विश्वविद्यालय ने की है, आपको ताजुब होगा, आप हजारों और लाखों रुपए के विज्ञापन टेलीविजन पर चला दीजिए लेकिन किसी एक फील्ड में आपकी पहचान, आपकी ब्रांड इमेज बनना बहुत मुश्किल है। विश्व रंग ने न केवल भोपाल स्तर पर, न केवल राष्ट्र के स्तर पर समूची दुनिया में एक ऐसी सांस्कृतिक सृजनात्मक छवि बनाई है कि वैसा कोई उदाहरण शासकीय हो, गैर शासकीय विश्वविद्यालयों का पूरा एक संसार हमारे देश में है, किसी ने भी इस बात को इस रूप में संभव नहीं किया है। और ये आप जब यहां से निकलेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे तब यहां के ये जो अनुभव है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज आपको अच्छा सुनना सिखाती है, अच्छा देखना सिखाती है, और
जो विजुअल का संसार है वो वर्चुअल रूप में पिछले साल से तो हम लोग 2020 से 2021 में देख ही रहे हैं। बच्चों का फेस्टिवल और युवकों का फेस्टिवल, ये सबसे महत्वपूर्ण पहल इस अर्थ में है कि दुनिया का कोई और जो इस तरह का फेस्टिवल और खास तौर पर हिंदुस्तान का, उसमें सब कलाओं के बारे में, सारे आयु वर्ग के बारे में, सारी जगह जिस तरह की सांस्कृतिक चेतना का, जिस तरह से उनके भीतर कला का विकास होना है, उन सभी सेगमेंट्स को रख कर कोई दूसरा विश्वविद्यालय इस तरह से नहीं सोचता है। मुझे लगता है कि बच्चों को इस फेस्टिवल से गुजरते हुए एक नया आकाश मिलेगा, एक नई उड़ान मिलेगी। और जितने भी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स विश्वरंग के प्लेटफॉर्म पर हुए हैं उनसे ये एक बात पुष्ट होती है कि युवकों में जो टैलेंट है, उनके अपने वजूद में जो खास बातें हैं, उनके भीतर संभावना का जितना बड़ा लोक है, उन तमाम चीजों को देखने का, जुड़ने का एक जरिया विश्वरंग देता है। मखदूम साहब का एक शेर है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो ये जो सारे जमाने को साथ लेकर चलने की जो सलाहियत है,